राज्यसभा के राज्य के 6 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी दिलचस्प जोड़तोड़ व दावे प्रतिदावे चल रहे थे, लेकिन एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के धनंजय महाड़िक ने शिवसेना के संजय पवार को हराकर खेमे में उत्साह भर दिया। 6 सीटों में से 3 भाजपा की झोली में आई। इस जीत से शहर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। दंतोली स्थित कार्यालय के सामने में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता जुटे, जमकर गुलाल उड़ाया और ढोलताशी की धुन पर कार्यकर्ताओं ने ठुमके भी लगाते हुए मिठाइयां बांटकर पटाखे फोड़कर भाजपा द्वारा जल्लोष किया गया। शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके ने सभी को बधाई दी और विजय जुलूस भी निकाला गया। पूरे परिसर में माहौल भगवामय हो गया था। पार्टी के झंडे लहराए गए। उत्साह इतना था कि भाजपा विधायकों ने भी ठुमके लगाए और इस जीत का पूरा श्रेय विरोधी पक्ष नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को दिया। उनके समर्थन में भी नारे लगाए गए। इस दौरान विधायक कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, सुधाकर देशमुख, अनिल सोले, सुधाकर कोहले, उपेंद्र कोठेकर, अरविंद गजबीये, धर्मपाल मेश्राम, कल्पना पांडे उपस्थित थे। इस दौरान विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि 6 सीटों के चुनाव में ठाकरे सरकार की घोड़ेबाजारी भी काम नहीं आई। या 6 राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून फडणवीस साहेबांनी वारंवार सांगितलं होतं का 3 आमचे उमेदवार आहे आणि 3च उमेदवार आमचे निवडून येतील। या राज्याच्या इतिहासामध्ये अनेक वर्षांनंतर पहिल्यांदा राज्यसभेची निवडणूक झाली आणि या निवडणुकीमध्ये शिवसेना सारखी गद्दार पार्टीचा उमेदवार जे विश्वासघाताने जी सरकार बनली होती त्या सरकारले चरपा देण्याचे काम या राज्याच्या आमदारांनी केलंय। महाविकास आघाडीचे सगळ्या आमदारांनी सगळ्या आमदारावर घोडेबाजाराचा आरोप लावणे, आमदाराची बेइज्जती करणे, या राज्याचा विकास पूर्णपणे ठप्प करणे, महाराष्ट्राला विकासाच्या मागे अनेक वर्ष मागे सोडून जाणे, अशा प्रकारची अनेक घटना आहे आणि या राज्यामध्ये भ्रष्टाचार अव्वल राहिला। काही मंत्री जेलमध्ये आहे, काही बेलमध्ये आहे, कोणी जाण्याच्या तयारीत आहे आणि आमदार काय असते हे उद्धव ठाकरेंना या आघाडीच्या आमदारांनी सगळी ताकद दाखवून दिली आणि हीच ताकद येणाऱ्या 20 तारखेच्या विधानसभेमध्ये विधान परिषदेमध्ये आमचे साही विधानसभेचे उमेदवार आमचे विधान परिषदेचे उमेदवार आमचे निवडून येतील आणि मुंबई महानगरपालिकेवर भाजपचा भगवा झेंडा पडकेल अशा प्रकारची विनंती आणि अशा प्रकारचं धैर्य आता राज्याच्या जनतेने स्वीकार केला आहे आणि म्हणून उद्धव ठाकरे सरकारने पूर्णपणे नाकारलाय। 3 वर्ष के कार्यकाल में राज्य में विकास कार्यो का बंटा ढार हो गया है। इससे विधायक भी त्रस्त हो गए हैं। इसलिए ही विधायकों ने मतदान में अपना रोष शिवसेना के खिलाफ निकाला और भाजपा पर भरोसा जताया। उन्होंने यह भी कहा कि नैतिकता के नाते सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। आने वाले 20 जून को विधान परिषद चुनाव में भी भाजपा के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। मुंबई मनपा पर भी भाजपा का झंडा फहराया जाएगा। उन्होंने संजय राउत पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि वे तो पप्पू निकले। उन्होंने कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी इस दौरान आड़े हाथ लिया। राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जो 3 कैंडिडेट है वो चुन के आए राज्यसभा पर, और उसके बाद जो है आज हम देख पा रहे हैं कि दंतोली से भाजपा के कार्यालय पे जो है यहाँ पर जल्लोष किया जा रहा है। ढोल ताशों के साथ यहाँ पे कार्यकर्ता जो है झूम के हमें नजर आ रहे हैं और पटाखे फोड़ कर जो है स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और ढोल ताशों के साथ जो है यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है, जल्लोष किया जा रहा है और पटाखे फोड़ कर यहाँ पे जल्लोष किया गया है। भाजपा के 3 सदस्य जो है राज्यसभा पर चुन के आए हैं और उसी जीत का जल्लोष जो है यहाँ पर आज नागपुर के धनगोली स्थित भाजपा कार्यालय के सामने किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष भुगले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BTN न्यूज नागपुर।